फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में स्वागत है। एक बार फिर से स्टेशन एंड प्लेसेस में आज फिर से आपके लिए एक नया अपडेट लेकर आया हूँ विद्युतकरण का सीतापुर लखीमपुर सेक्शन पर। और मैं आपको दिखाऊंगा कि सीतापुर की दिशा से लखीमपुर की दिशा में विद्युतीकरण के काम की जो रफ्तार है वो बहुत तेज गति से चल रही है। और लगभग सीतापुर से 12 किलोमीटर आगे झरेपकापुर से पहले तक विद्युतीकरण के जो पोल्स हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के वो लगा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने पोल्स चल रहे हैं लगे हुए, लेकिन अभी ये 90 डिग्री पे सेट नहीं किए गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए या पुराने हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ट्रेन टर्न ले रही है, मुड़ रही है और आपको पोल्स भी दिखाई पड़ रहे होंगे। तो देख सकते हैं, तो लगभग सीतापुर की दिशा से लखीमपुर की दिशा में 12 किलोमीटर तक पोल्स लगा दिए गए हैं। मैंने खंबा नंबर भी चेक किया था, जब ये दूरी थी तो लगभग 101 या 102 किलोमीटर की दूरी तक लगे हुए हैं। और जहाँ पर झरेकापुर रेलवे स्टेशन आता है, ये सामने भुर्जिया बड़ा गाँव रेलवे स्टेशन है, हॉल्ट है। तो यहाँ तक देखिए, यहाँ पर भी पोल्स लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आखिरी इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ था, देख सकते हैं। इसके बाद जो है ना वो फाउंडेशन केबल बने हुए हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल्स नहीं लगे हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स, हरगांव रेलवे स्टेशन पर देखिए, फ्रेंड्स हरगांव रेलवे स्टेशन पर ये भी देखिए, यहाँ अभी पोल्स नहीं लगे हैं, लेकिन फाउंडेशन पूरी तरह से सीमेंट कंक्रीट के बना लिए गए हैं, साथ में वो ढक भी दिए गए हैं गड्ढों से, जिसमें कि कोई दुर्घटना या घटना ना हो किसी के साथ में रात के समय। सिर्फ स्टेशन ही नहीं, इसके आस पड़ोस का जितना भी एरिया है जहाँ पर आबादी वाला क्षेत्र है, वहाँ हर जगह पर जो फाउंडेशन बनाए गए हैं वो ढक दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपको मशीन का दिखाते हैं व्यू, जिस मशीन के द्वारा, जिस मालगाड़ी के द्वारा ये पोल्स आए गए थे और लगाए गए थे, जिसकी मदद से आप देख सकते हैं। ये जो वीडियो है ये दिव्यांशी मैडम ने भेजा था, शुक्रिया दिव्यांशी मैडम, जो आपने एक छोटा सा अच्छा सा वीडियो हरगांव रेलवे स्टेशन पर जब ये मशीन आई थी तब बनाया था। और ये वीडियो 3 दिन पहले का है, चूंकि मेरे पास कोई अपडेट नहीं था हरगांव रेलवे स्टेशन का, इस वजह से इस वीडियो को डालते नहीं बन रहा था। थैंक यू सो मच मैडम। तो इस मशीन की सहायता से पोल्स उठाए जाते हैं और फिर लगाए भी जाते हैं जो फाउंडेशन बने हुए हैं। आप देख सकते हैं जो कांटा लटक रहा है, इसी की सहायता से इन पोल्स को उठाया जाता है। और काफ़ी हैवी होते हैं ये पोल्स, तो उठाना आसान नहीं होता है, तभी इतनी जल्दी जल्दी इन मशीन के द्वारा पोल्स लगाने का काम को अंजाम दिया जा रहा है सीतापुर से लखीमपुर सेक्शन के बीच में। और यहाँ पर भी देखिएगा, काफ़ी ऊँचे पोल्स रखे हुए हैं और काफ़ी ढेर सारे मात्रा में, चूंकि इस मालगाड़ी को दिखाना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को पता चले कि ये पोल्स किस तरह से लाए जाते हैं और लगाए जाते हैं। हालांकि हमने आपको लगाते हुए अभी नहीं दिखाया है, अगर मौका मिला तो कभी हम इस मशीन से आपको पोल्स को लगाते हुए भी दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मशीन है और साथ में इंजन भी है, तो बाकायदा खड़ा हुआ है। और यहीं इसी की मशीन और इंजन की सहायता से पोल्स को ले जाया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो काफ़ी नई टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिफिकेशन में अब यूज़ होने लगी है, चाहे किसी भी सेक्शन पर हो। ये मशीन हरगांव रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स, हमारी ट्रेन गोमती नगर एक्सप्रेस अब लखीमपुर की दिशा में पड़ गई है। और ये देखिए, यहाँ पर भी फाउंडेशन का काम कर लिया गया है, लेकिन अभी सीमेंट और कंक्रीट वगैरह इसमें नहीं डाली गई, ना खांचा लगाया गया है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो मजबूत सीमेंटेड फाउंडेशन है वो बना लिया गया है, तो आप देख सकते हैं। तो स्टेशन के इर्द गिर्द अभी नहीं बना है। तो फ्रेंड्स, हम आपको अभी और भी आगे दिखाते हैं। ये लखीमपुर रोड पर हरगांव में क्रॉसिंग बनी थी, उसका व्यू था। तो यहाँ से भी देखिएगा फ्रेंड्स, ये हिस्सा जो है ना, अभी यहाँ पर फाउंडेशन का काम नहीं किया गया है, ये हिस्सा बचा हुआ है, ओएल के पहले है जो शारदा नहर पड़ती है। तो यहाँ पर ये अभी फाउंडेशन बनाने का काम नहीं किया गया, इस हिस्से में हम आपको दिखा रहे हैं। तो हम आपको वो चीज़ भी दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ फाउंडेशन बनाने के काम नहीं किए गए हैं और कहाँ पर किए गए हैं, जबकि इसके आगे के हिस्से पर काफ़ी मात्रा में फाउंडेशन बनाने के काम कर लिए गए हैं ओएल रेलवे स्टेशन पर भी।
ऑयल हॉल्ट पर अब हम हरगांव से ऑयल की दिशा में बढ़ रहे हैं और देख सकते हैं यहाँ पर भी फ्रेंड्स फाउंडेशन बनाने का काम बखूबी किया गया है, बल्कि मजबूत फाउंडेशन स्टेशन पर। लेकिन अभी मजबूत फाउंडेशन नहीं बनाए गए हैं ऑयल हॉल्ट पर, लेकिन स्टेशन के पहले बना लिए गए हैं, आप देख सकते हैं बीच बीच में। तो फाउंडेशन बाकायदा काफ़ी जल्दी बना लिए गए हैं और इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी किसी को कि जो विद्युतीकरण का काम है सीतापुर से लखीमपुर होते हुए मैलानी तक, तो काफ़ी तेज़ रफ्तार से किया जा रहा है। चूँकि ये काम विद्युतीकरण का मैलानी तक किया जाना है और बाकी फिर वो कासगंज की दिशा से बरेली होते हुए पीलीभीत होते हुए मैलानी तक विद्युतीकरण का काम पूरा किया जाएगा, यानी कि डालीगंज से मैलानी तक, फिर कासगंज से उधर बरेली पीलीभीत मैलानी तक। तो इस तरह से विद्युतीकरण का काम किया जा रहा है। अब पूरा जो ट्रैक है कासगंज तक, डालीगंज से कासगंज तक, वो पूरा करने का लक्ष्य सन 2022 रखा गया है। अब देखना ये होगा फ्रेंड्स कि ये विद्युतीकरण का काम कब तक पूरा हो पाएगा। चलिए फ्रेंड्स लखीमपुर में चलते हैं। यहाँ से देखिएगा ये लखीमपुर के आउटर से सामने राजापुर क्रॉसिंग। तो यहाँ पर भी जो फाउंडेशन है बिल्कुल अभी नया ताजा बनाया गया है और ये आज ही बनाया गया है, आज तारीख 25/01/2020 यहाँ से भी। तो बिल्कुल लगभग ताजा ही ताजा है। एक और आपको पोल दिखाते हैं सिग्नल के थोड़ा सा आगे, देखिए फ्रेंड्स ये सिग्नल, और ये देखिए ये भी आज ही बनाया गया है बिल्कुल ताजा। तो यहाँ पर जो गोल गोल खांचा बनाने के लिए है वो भी रखा गया है, तो आज ही बिल्कुल बनाया गया है 25/01/2020। सामने राजापुर रेलवे क्रॉसिंग, गाड़ियां निकल रही हैं। चलिए फ्रेंड्स महाराज नगर रेलवे क्रॉसिंग की तरफ चलते हैं, अब वहां से आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं फिर वहीं पर वीडियो खत्म करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं महाराज नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास आ गया हूँ और फिलहाल महाराज नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास कोई भी फाउंडेशन अभी नहीं बना हुआ है, तो मैंने सोचा एक बार चेक कर लूँ। और यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर है महाराज नगर रेलवे क्रॉसिंग, या 150 मीटर कहिए, तो कहीं भी फाउंडेशन नहीं बना हुआ है। और जो फाउंडेशन बना हुआ है वो राजापुर रेलवे क्रॉसिंग यानी कि इस दिशा में बना हुआ है, खीरी की दिशा में, जहाँ पर मैंने आपको ताज़ा फाउंडेशन बने हुए जिसमें सीमेंट कॉन्क्रीट के द्वारा होल को पाटा गया है तो मैंने आपको दिखाया। तो फ्रेंड्स बीच बीच में आप ऑयल के बाद से अगर रख लें, जो मैंने आपको वीडियो दिखाया, तो ऑयल के बाद से फाउंडेशन बनाने का काम कहीं कहीं बीच में नहीं किया गया है क्योंकि पहुंच आसान नहीं है वहां पर, इस वजह से उस हिस्से को छोड़ा गया है और उस हिस्से को भी किया ही जाएगा। चूंकि शहर का इलाका था ये लखीमपुर का, राजा पुर रेलवे क्रॉसिंग साथ में महाराज नगर रेलवे क्रॉसिंग, इस वजह से राजापुर रेलवे क्रॉसिंग पर फाउंडेशन बना लिया गया। तो फ्रेंड्स ये था लेटेस्ट अपडेट सीतापुर लखीमपुर सेक्शन पर, और फिलहाल रफ्तार जो है बहुत तेज है फाउंडेशन बनाने की, साथ में पोल्स लगाने की भी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।